नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, झूठा पाकिस्तान। पुलवामा आतंकी हमला, झूठा पाकिस्तान। F-16 पर झूठा पाकिस्तान और अब राफेल पर फेकू पाकिस्तान। भारत से बात बात पर झूठ बोलने वाले पाकिस्तान का एक और झूठ की पोल खुल गई है। गुरुवार को जहां भारत में पहले चरण की वोटिंग हुई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तान अपने पायलटों को राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान ने अपने इस झूठ को सच दिखाने की भारी भरकम कोशिश भी की और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के पायलटों को कतर एयरपोर्ट की ओर से राफेल फाइटर प्लान को उड़ाने की ट्रेनिंग फ्रांस में दी गई। लेकिन दिन ढलते ढलते पाकिस्तान के इस झूठे दावे की पोल पूरी तरह से खुल गई। फ्रांस ने आगे आकर खुद उन खबरों का खंडन किया जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के पायलटों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारत ने फ्रांस के राजपूत अलेक्जेंडर जिगलर ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें पाकिस्तान वायुसेना के पायलटों को राफेल विमान का प्रशिक्षण दिया जाने की बात कही गई थी। नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जिगलर ने कहा, ये खबर पूरी तरह से फर्जी खबर है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता और मैं तस्दीक करता हूँ कि ये एक फेक न्यूज है। दरअसल AINonline.com वेबसाइट ने दावा किया था नवंबर 2017 में कथित तौर पे कतर एयरफोर्स की ओर से पाकिस्तानी पायलटों को फ्रांस में राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। इस खबर आने के बाद भारत ने राफेल विमान को लेकर सियासी माहौल और गर्माने लगा था, लेकिन जैसे ही फ्रांस ने इस खबर को फेक बताया, पाकिस्तान को फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बता दे कि फाइटर जेट निर्माता कंपनी दसवाल इसी साल दिसंबर में भारत को राफेल विमानों की पहली खेप सौंपने वाली है। राफेल विमान आने के बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी से डरे हुए पाकिस्तान ने ऐसी फेक न्यूज फैलाकर भारत को भ्रमित करने की कोशिश की है, क्योंकि असल में पाकिस्तान भारत के राफेल से डर गया है, वो सहम गया है। भारत को मिल रहे राफेल विमान हवा से हवा में मार देने वाली मिसाइल से लैस है। इसके बाद से ही पाकिस्तान भारत की वायुसेना से खौफ खा रहा है, उसके पसीने निकल रहे हैं। ऐसे में राफेल आने के बाद वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे सबसे ज्यादा डरा पाकिस्तान। एक तरह से पाकिस्तान सदमे में है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।